नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। आइए नजर डालते हैं आज की दिल्ली की खबरों पर। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में होने वाले मतदान का नाम वापसी की अंतिम तिथि को पश्चिमी सिंहभूम जिले के 5 विधानसभा से 4 प्रत्याशी के द्वारा नाम वापसी लिए जाने के बाद कुल 68 प्रत्याशी मैदान में रह गए हैं। नाम वापसी के बाद मैदान में डटे सभी प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह प्रदान किया गया। पश्चिमी सिंहभूम जिले के 5 विधानसभा क्षेत्र में चाईबासा विधानसभा क्षेत्र से कुल 14 प्रत्याशियों के द्वारा नामांकन दाखिल किया गया था, जिसमें एक प्रत्याशी के द्वारा नाम वापसी के बाद 13 प्रत्याशी मैदान में रह गए हैं। इसी तरह मशगांव विधानसभा से 19 प्रत्याशी ने नामांकन किया था, जिसमें 2 प्रत्याशी का नामांकन पत्र रिजेक्ट कर दिया गया और एक प्रत्याशी के द्वारा नाम वापसी लिए जाने के बाद 16 प्रत्याशी मैदान में रह गए हैं। जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र से 16 प्रत्याशी के द्वारा नामांकन दाखिल किया गया था, जिसमें 2 प्रत्याशी का नाम रिजेक्ट हो गया और एक प्रत्याशी ने नाम वापस ले लिया। जगन्नाथपुर विधानसभा से कुल 13 प्रत्याशी मैदान में रह गए हैं। जगन्नाथपुर विधानसभा में सबसे अधिक 22 प्रत्याशी ने नामांकन पत्र दाखिल किया था। नामांकन पत्र की जांच में 7 प्रत्याशियों का नामांकन पत्र अस्वीकृत कर दिया गया और एक प्रत्याशी का नाम रिजेक्ट के बाद कुल 14 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। वहीं चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र से 12 प्रत्याशी के द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किया गया था। नामांकन पत्र जांच में सभी प्रत्याशियों का नामांकन पत्र सही पाया गया। चक्रधरपुर विधानसभा से किसी भी प्रत्याशी का नाम रिजेक्ट नहीं किया गया और न ही किसी प्रत्याशी के द्वारा नाम वापस लिया गया। नाम वापसी के बाद उपायुक्त अरवा राजकमल ने प्रेस वार्ता में जानकारी दी कि जिले के 5 विधानसभा में 68 प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। 4 प्रत्याशियों के द्वारा नामांकन पत्र वापस ले लिया गया है। जिले के 5 विधानसभा में सिर्फ मझगांव विधानसभा में 2 ईवीएम होंगे। अन्य 4 विधानसभा में एक एक ईवीएम से चुनाव संपन्न होगा। उन्होंने कहा कि जिले में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रत्येक विधानसभा में एक एक ऑब्जर्वर भेजा गया है। इसके अलावा जगन्नाथपुर, चाईबासा और मझगांव विधानसभा में एक एक आर्थिक ऑब्जर्वर भेजा गया है। उन्होंने कहा कि गुरुवार को नाम वापसी होने के बाद सभी प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया गया है। उपायुक्त ने कहा कि 7 दिसंबर को दूसरे चरण में पश्चिमी सिंहभूम जिले में होने वाले चुनाव सुबह 7 बजे से अपराह्न 3 बजे तक होगा। चुनाव के बाद सभी ईवीएम महिला कॉलेज और वेयर हाउस में रखा जाएगा, लेकिन मतगणना केंद्र महिला कॉलेज चाईबासा में ही होगा। 5 विधानसभा का मतगणना महिला कॉलेज में कराया जाएगा। उप विकास आयुक्त आदित्य रंजन ने कहा कि जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्र से आदर्श चुनाव आचार संहिता में 7,18,420 रुपया जांच के दौरान बरामद किया गया है, जिसमें एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। अभी समय है, हम लोग का ऑब्जर्व आप भी करते होंगे, महसूस भी किए होंगे। 48 एसएसटी से एफएसटी हम लोग का फील्ड में एक्टिव है। आपसे भी अनुरोध होगा, जैसे जो सूचना भी हम लोग को प्राप्त होता है, कृपया कोई राशि अवैध रूप से बांटने का हो, ले जाने का हो, कृपया हम सूचना दे दें। डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम 1950 पे एक्टिव है। इसके अलावा भी एफएसटी से जानकारी आप लोगों को सबको दी गई है। संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी को जानकारी दे सकते हैं या थाना प्रभारी को, या डायल 100। कई सारे माध्यम में किसी भी तरह से अगर जानकारी हम लोगों को मिलता है, अभी कितना सीट हुआ है चाईबासा में, कुल 13 अभ्यर्थी होंगे, तो इसमें ये निर्दलीय प्रत्याशी कुछ है, इसमें 3 देखेंगे तो 3 इंडिपेंडेंट्स भी लड़ रहे हैं और रिमेनिंग 10 कैंडिडेट हैं। कुछ ज्यादातर रिकॉग्नाइज पार्टी के हैं, कुछ अनरिकॉग्नाइज पार्टी के भी अभ्यर्थी इसमें कंटेस्ट कर रहे हैं। मझगांव में सूचना हम लोग को जो प्राप्त हुई है उसके हिसाब से 16 कैंडिडेट वहां अभी इलेक्शन में कंप्लीट करेंगे। और इसी तरह मनोहरपुर में कुल 14, 15 फाइनल फिगर था नॉमिनेशन का जो स्क्रूटनी प्रक्रिया होने के बाद, उसमें से एक कैंडिडेट वापस लेने का सूचना हम लोगों को प्राप्त है। अभी उन लोगों का सिंबल अलॉटमेंट का प्रक्रिया जारी है। इसके बाद जो फॉर्म 7A
सभी कैंडिडेट होंगे, सभी अभ्यर्थी चुनाव के दिन कंटेस्ट करेंगे और सभी का बैलेट यूनिट पर सभी का नाम और सिंबल सहित हम लोग मतदाता के सामने रखेंगे। शुरुआत के तौर पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि चक्रधरपुर 56 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में कुल 12 अभ्यर्थी अभी कंटेस्ट में है और जितने भी नॉमिनेशन पत्र दाखिल किया गया सभी को स्वीकृत किया गया, नाम निर्देशन वापस किसी के द्वारा नहीं लिया गया और अभी 12 कैंडिडेट इसमें कंटेस्ट में, इसमें 10 अभ्यर्थी सहित हम लोग पूरा आपको सूची हम लोग दे दिए। विधानसभा चुनाव के दौरान पश्चिमी सिंहभूम के हर प्रखंड और हर बूथ में ज्यादा मतदान हो इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से स्कूलों, मतदान केंद्रों, हाट बाजार में तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। स्कूलों में आज बच्चों ने प्रतिज्ञा सूत्र बांधकर अपने अभिभावकों को वोट के प्रति प्रेरित करने का संकल्प लिया। कस्तूरबा विद्यालय की छात्राओं ने रंगोली बनाकर मतदान का संदेश दिया। आज कई विद्यालयों में मतदाता जागरूकता क्लब का भी गठन किया गया। जिन मतदान केंद्रों पर मतदान का प्रतिशत कम रहता है वहां चुनाव पाठशाला का गठन किया गया। जिन विद्यालयों में साक्षरता क्लब का गठन किया गया है वहां बच्चों द्वारा कई तरह के खेल भी आयोजित किए गए। स्विप कोषांग के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जन चौपाल लगाकर लोगों को मतदान के प्रति प्रेरित कर रहे हैं। श्री रानी सती मंदिर आमला टोला में मंगसीर नवमी महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। हर दिन दोपहर 3 बजे से मंगल पाठ किया जाता है और पुरुलिया से आए मनीष पंचारिया और उनके ग्रुप के द्वारा मंगल पाठ गाया गया। आज नवमी के अवसर पर दादी जी का महोत्सव, दादी जी का ब्याह का उत्सव, दादी जी का छप्पन भोग, दादी जी का मुकलवा का आयोजन भी किया गया। आज दिन में भंडारे का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर महिलाओं ने दादी को खूब रिझाया। आयोजन को सफल बनाने में उद्योगपति एवं अध्यक्ष मुकुंद रुंगटा, प्रदीप प्रसारी, इंदर प्रसारी, अनिल मुरारका, श्रवण खोवाला, रमेश खिरवाल, अशोक नेवटिया, नारायण पाड़िया, मनोज शर्मा, अशोक विजयवर्गी, विनीता सराफ, वीना अग्रवाल, सरिता अग्रवाल, रीना शर्मा, आशा खिरवाल, मोनिका शर्मा की अहम भूमिका रही। डीजीएमएस चाईबासा परिक्षेत्र की लॉ एस खदानों में 57वां खान सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। इसका समापन समारोह 8 दिसंबर को ओडिशा के जोड़ा में आयोजित होगा। कुल 11 इस श्रेणी में आने वाली खदानों में से आरएमडी सेल की किरिबुरु एवं मेगा हाथुबुरु खदान में पब्लिसिटी एवं प्रोपेगेंडा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें चाईबासा परिक्षेत्र के डीएमएस अल्ताफ हुसैन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और फीता काटकर सुरक्षा संबंधी स्टॉल एवं मॉडल का उद्घाटन किया। अतिथियों ने शून्य दुर्घटना की कामना करते हुए लोगों से सुरक्षित होकर कार्य करने की नसीहत दी। कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। समारोह के मौके पर गुआ लॉ एस्क खदान के सीजीएम अनिरुद्ध शर्मा, किरिबुरु खदान के सीजीएम डीके बर्मन, मेगा हाथुबुरु खदान के सीजीएम चंचल मुखोपाध्याय सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। भारतीय परंपरा के अनुसार जीवन है, इसका ध्यान रखे और हमेशा सेफ रहे, सुरक्षित रहे। स्वागत करते हम
लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज टाइम्स के पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।